हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल कैरियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी गाड़ी का या किसी और की गाड़ी की आरसी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आरसी कब तक एक्सपायर होगी और उसका जो इंश्योरेंस है उस गाड़ी की वो एक्सपायर कब होगा और जो उसकी आरसी का जो एक्सपायरी डेट है वो आप कैसे देख सकते हैं और पॉल्यूशन का एक्सपायरी डेट कब है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी का या किसी और की गाड़ी का पूरा स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि एक्सपायरी डेट कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सारी डिटेल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना होगा परिवहन। टाइप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं परिवहन सेवा, तो parivahan.gov.in, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप इसके साइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन फ्रेंड हमें यहाँ पे नहीं जाना होगा, हमें आना होगा ये थोड़ा सा नीचे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आरसी स्टेटस, इस पे हमें क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड ओके पर आपको क्लिक कर देना होगा। जब भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देना होगा। आप अपने गाड़ी का नंबर जो भी होगा, UP56, UP52, जो भी है, UP53, जो भी है, यहाँ पे डाल दीजिएगा पूरा गाड़ी का नंबर और यहाँ पे कैप्चा डाल देना होगा। यहाँ पे फ्रेंड ये नहीं है कि आपको आरसी का स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पे आरसी स्टेटस और आपका जो पॉल्यूशन है वो भी दिखाएगा और जो आपका इंश्योरेंस है वो भी दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से व्हीकल नंबर डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड व्हीकल नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दिया, उसके बाद वाहन सर्च पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड सबसे ऊपर आरसी स्टेटस लिखा आएगा, उसके बाद आपके गाड़ी का नंबर आ जाएगा यहाँ पे सबसे ऊपर, और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मोटरसाइकिल लिख रहा है मोटरसाइकिल, उसके बाद पेट्रोल गाड़ी है, स्प्लेंडर प्रो है, हीरो होंडा, तो स्प्लेंडर प्रो है हमारी गाड़ी। तो यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जहाँ की गाड़ी रहेगी वो आ जाएगा। ओनर नेम, ओनर नेम में यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नेम नहीं लिखा है, बीच बीच का एक यहाँ पे अक्षर यहाँ पे गायब कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड रजिस्ट्रेशन डेट है 27 अप्रैल 2013 को, और यहाँ फिटनेस यहाँ पे देख सकते हैं 26 अप्रैल 2028 तक इसकी वैलिडिटी है, मतलब एक्सपायर हो जाएगी 26 अप्रैल 2028 के बाद। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपायर होगा 12 सितंबर 2021 को, तो 12 सितंबर 2021 को एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में यन्ने दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पॉल्यूशन नहीं बनवाया है, जो पॉल्यूशन होता है सर्टिफिकेट, तो पॉल्यूशन नहीं बनवाया है इसलिए यहाँ पे यन्ने दिखाई दे रहा है। अगर आपका पॉल्यूशन भी रहेगा तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे देगा कि पॉल्यूशन आपका कब एक्सपायर होगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप अपने गाड़ी का या किसी और की गाड़ी का आप पूरा स्टेटस देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, वो लोग बहुत ही आसानी से गाड़ी का नंबर डाल करके और चेक कर लेंगे, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी कब एक्सपायर होगी या इंश्योरेंस कब खत्म होगा। बहुत सारे लोग इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं और लोग झूठ बोल देते हैं जो लोग गाड़ी बेचते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत काम की चीज होगी जो लोग सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।